उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 410 हो गई है और बड़ी खबर यह है कि इसमें 221 केस जमात से जुड़े हैं। लखनऊ के सदर इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस मिले हैं। यहां पुलिस वालों को सैनिटाइज करने के लिए एक स्पेशल कैबिन लगा है और रुचि कुमार इंडिया टीवी संवाददाता की आपको हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ का ये सदर इलाका है और यहाँ सबसे ज्यादा 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पुलिस यहाँ पे ड्यूटी पे है दिन रात और इनके लिए ये सैनिटाइज करने का एक केबिन बनाया गया है। इसमें लिखा है सैनिटाइज योरसेल्फ। इसमें पुलिस वाले जा रहे हैं और अपने को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये अब जैसा आपको पता ही है कि यहाँ पर कुछ केसेस रोशनी में आए हैं, तो इसीलिए ये सिस्टम लगाया। तो ये कैसे काम कर रहा है? इसमें जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है वो इसमें मिक्स है और इसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में एरोसोल्स बना करके ये नोजल के थ्रू डिस्पर्स करता है और आप देख रहे हैं उसी तरीके से डिसइंफेक्ट करता है। खासतौर पे जो पुलिस स्टाफ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, पॉजिटिव जो लोग हैं उनके आसपास भी जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसा आपने बताया कि सच में ये जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले उनसे संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी जांच लगातार चल रही है। ऐसे में ये जो केबिन है जिसमें अंदर जाके पुलिस वाले सैनिटाइज हो रहे हैं, पुलिस वालों के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।